और यहाँ आकर यकीन जाने मेरी बेगम साहिबा को 2 हफ्ते में 2 बार सर्दी लग चुकी है। आप पूछ भी सकते हैं क्या एक्सपीरियंस है आपका फिर। चलें अब जा ही रहे हैं तो बात करते हैं जॉब्स की। तो आजकल जॉब के हवाले से यार थोड़े से टफ, किस्मत अच्छी हो तो 1 हफ्ते में भी मिल जाती है। एंड मस्जिद भी बस आने वाली है, इट्स ऑलमोस्ट 0.1 miles फ्रॉम हियर। अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोगों ने मुझे काफ़ी मिस किया होगा। तो आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, यूके में अपना फर्स्ट जुमा पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ जब एक पाकिस्तानी या मुस्लिम बंदा आता है तो उसको यहाँ पे जुमा पढ़ने के लिए कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है और कहाँ तक जाना पड़ता है जुमा पढ़ने के लिए। तो सुबह से मतलब कि जुमे का दिन था तो लेट ही उठे हैं, फ्रेश हुए हैं एंड अब हम लोग रेडी होंगे जुमे के लिए। टाइम हो रहा है, बस थोड़ी देरी रह गई है, तो रेडी होके चलते हैं। मस्जिद का आपको बताएंगे, डिस्टेंस दिखाएंगे एंड वहां जाके मस्जिद भी दिखाएंगे, तो लेट्स गो। हाँ जी, तो वजू तो हमने कर लिया, लेकिन बाहर निकलने से पहले आपको एक बात बता दूं कि यूके में आपने कहीं भी जाना है तो आप इतना मोटा कम से कम कोट पहन के जाएं, उसके अलावा आप बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि यहाँ की जो हवा है ना, इधर इधर दिल चीरती है आपका। और यहाँ आकर यकीन जाने मेरी बेगम साहिबा को 2 हफ्ते में 2 बार सर्दी लग चुकी है। आप पूछ भी सकते हैं क्या एक्सपीरियंस है आपका फिर। यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है तो मैं तो सबको यही रिकमेंड करूँगी, जो भी यूके आ रहा है वो अपने मोटे कपड़े लेकर आए, खुद को सर्दी से बचाए, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल का सिस्टम वैसा नहीं है जैसा पाकिस्तान में है कि आपको सर्दी लग रही है तो आप फ़ौरन से जाएँ फार्मेसी से, आपको इजीली मेडिसिन मिल जाती है। यहाँ आपका प्रॉपर एक लाइनअप चेकअप होता है फिजिकल, तो दैट्स और दवाइयाँ बहुत महंगी हैं। बहुत महंगी है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप, नीचे जाएंगे, डिस्टेंस दिखाएंगे और जुमा पढ़ के आएंगे। गुड टू गो, हम रेडी हैं, निकल आए हैं एंड आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे कि जो हमारी लोकेशन है मस्जिद की वो हमसे 0.8 miles के डिस्टेंस पे है। 1 mile इज इक्वल टू 1.7 किलोमीटर, ठीक है। तो 0.8 miles ऑलमोस्ट कोई 1.5 किलोमीटर के राउंड अबाउट बनेगा, तो इतना है यहाँ पे मिनिमम है। ये बहुत ही कम है, कह लें नॉर्मल है बिल्कुल जाने के लिए और चलने के लिए, ठीक है। तो अब जाते हैं और साथ आपको वेदर दिखाता हूँ आज कैसा वेदर है। भाई काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एंजॉय करने वाला भी है और नए नए आने वालों के लिए सर्दी वाला मौसम भी है यहाँ पे। ये है यहाँ की खूबसूरती, यहाँ का वेदर ऑलमोस्ट ऐसा ही रहता है और ये क्लाउडी भी है और ये खूबसूरत भी है, लेकिन ये ठंडा भी बहुत है। यहाँ पे आने वालों को बहुत सर्दी लगती है तो यहाँ पे इसलिए वो जो कोर्ट वाले एडवाइस थी उन सब लोगों के लिए ही है। हमारे रास्ते में आने वाली ये खूबसूरत झील, गैस यहाँ आने की वजह से ना और बिजी रूटीन की वजह से मेरे एक दो जुमे लास्ट मिस हो गए, तो मुझे बहुत ज़्यादा ना एक अंदर से रिग्रेट फील हो रहा था कि यार कुछ भी हो एटलीस्ट आपको ना जुमा नहीं स्किप करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी और इट्स वेरी अनएथिकल मेरे देखने में। और इसलिए मैं आज कोशिश पूरी कर रहा हूँ, मैं टाइमली निकला हूँ ताकि मैं जाके जो है वो जुमा पढ़ सकूँ एंड टाइमली पहुँच सकूँ। लेकिन यहाँ पर रोड क्रॉस करते आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता है, ये देखें। तो अगेन सिग्नल्स को फॉलो करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप बहुत बड़ी किसी प्रॉब्लम में आ सकते हो, ठीक है। और दैट्स वाई आई हैड टू स्टॉप देयर एंड वेट फॉर द कार्स टू गो। हाँ जी, तो जुमे पे बात हो रही थी, तो इंशाल्लाह आज जुमा पढ़ेंगे और देखते हैं यूके की मस्जिदें कैसी हैं, एक ही देखेंगे आज कैसी बनी हुई है एंड कितने लोग यहाँ पे आते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी मुलाकात होगी उन सब से, तो बने रहिए, चलते हैं आगे। चलें अब जा ही रहे हैं तो बात करते हैं जॉब्स की। तो आजकल जॉब के हवाले से यार थोड़े से टफ कंडीशन बनी हुई है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि स्टूडेंट और डिपेंडेंट्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, जिसकी से सैचुरेशन आ गई है। सैचुरेशन जब किसी भी चीज़ की सैचुरेशन हो जाती है तो उसमें मज़ीद एडजस्टमेंट करना मुश्किल हो जाता है आपके लिए, तो यही मामला यहाँ पर हुआ है। जॉब्स की सैचुरेशन हो गई है, हर जॉब पर मोर देन इनफ और वो ज़्यादातर रेफरेंस बेस्ड लोगों को ही रख रहे हैं, अगर किसी का कोई स्ट्रॉन्ग तो वो जॉब देते हैं एंड स्टूडेंट की निस्बत जो है ना डिपेंडेंट को जॉब उनके लिए मिल रही है, स्टिल स्टूडेंट के लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि जब जाहिर है उनके पास फुल शिफ्ट के लिए बंदे अवेलेबल हैं तो वो क्यों स्टूडेंट को शिफ्ट दे के अपना टाइम टेबल और स्केड्यूल ख़राब करें। दैट्स वाई वो जो है ना
डिपेंडेंट को प्रेफर करते हैं, स्टूडेंट को प्रेफर नहीं कर रहे फिलहाल। बहरहाल इंडीड एक वेबसाइट का नाम है, वहाँ पे अप्लाई करें आप, और आपका कोई रेफरेंस है तो वो बहुत अच्छी बात है, उसके थ्रू ट्राई करें, इंशाल्लाह जॉब मिल जाती है। 20-25 दिन, एक महीना मैक्सिमम है, इसके अंदर अंदर आपको जॉब मिल जाती है। किस्मत अच्छी हो तो एक हफ्ते में भी मिल जाती है, बाकी डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ यूके। और ख़ास तौर पे जो छोटे टाउन है उनमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलता है हमें जॉब वाला, एज़ कम्पेयर टू जो बड़े सिटीज़ है, लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, उनमें फिर भी एडजस्टमेंट आपकी हो जाती है कैसे ना कैसे। वीडियो बनाने की ज़रूरत तो मैंने कर ली है, लेकिन मेरे जो हाथ है ना जिससे मैंने मोबाइल होल्ड किया, बिल्कुल इट्स फ्रीज, जम गया है इतनी हवा और ठंड में, क्योंकि इतना देर बाहर नहीं रख सकते यहाँ पे आप हाथों को तो। लेकिन आई हैड टू मेक इट, सो करना पड़ता है। एंड मस्जिद भी बस आने वाली है, इट्स ऑलमोस्ट 0.1 miles फ्रॉम हियर, तो लेट्स सी, दुआ करें कि जुमा ना गुजरा हो अभी। टाइम तो ऑलमोस्ट 12:30 भी नहीं हुए, 12:15 हुए, तो आई होप मैं टाइमली पहुंच गया हूं और मैं लेट नहीं हुआ। तो अब चलते हैं मस्जिद की तरफ। सो फाइनली इट्स हियर, अब देखते हैं एंट्रेंस का रूट, लेट्स गो। जी तो वी आर बैक आफ्टर ऑफरिंग जुमा प्रेयर, ठीक है। जिस दिन से मैं 30th of January से आया हूँ, और उस दिन के बाद मैंने आज अजान की आवाज़ सुनी है, एंड इट रियली फील्स गुड, बहुत सुकून मिला दिल को। एंड मैं जल्दी पहुँच गया था, जुमा 1:15 था, मैं 12:30 मस्जिद में था, और ये अच्छा हुआ मैंने खुतबा सुना, अजान सुनी, नमाज पढ़ी सारी, एंड अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप एक मुस्लिम कंट्री से उठ के यहाँ आते हो ना, एक मल्टीनेशनल कंट्री में जहाँ पे हर रिलीजन के लोग हैं, हर तरह के लोग हैं, तो वहाँ आके आप अपने आप को कंटिन्यू रखते हो जब, तो वो एक बहुत अच्छा फील होता है। और बाकी भी मेरी यही एडवाइस है, कोशिश किया करें अपने जॉब टाइमिंग किस तरह की करें कि एटलीस्ट फ्राइडे का जो दिन है ना उसमें आप 2 घंटे निकालें 12 से 2 वाले, और थोड़ा सा टाइम जो है वो अपने रिलीजन को दें, एंड सर्च करें, रिसर्च करें, अच्छा होता है। तो जा रहे हैं वापस अपनी एकोमोडेशन पे। एंड उससे पहले ये कहना बहुत ज़रूरी था कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर कीजिएगा, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर UKVI लेटेस्ट अपडेट्स एंड जो नेक्स्ट वीडियोज़ आनी है उनके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।